हाय एवरीवन, आज बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास कि रमी हेयर्स कराएं या फिर पहचाने कैसे कि रमी ओरिजिनल हेयर्स हैं या नहीं है, या फिर डबल ड्रोन कराएं, सिंगल ड्रोन कराएं। ये बहुत सारा गणित आजकल फैला हुआ है दिल्ली में। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि ये जो हमारे रमी हेयर्स हैं जो हम बल्क में डील करते हैं क्लाइंट्स के लिए, हमारे सैलून्स में भी सप्लाई जाती है इसकी। तो ये 30 इंचज़ है, 100 ग्राम का बंच है, ये 24 इंच का 100 ग्राम का बंच है। और ये दूसरे जो हमारे हेयर्स हैं जो मिक्सिंग आती है सिंथेटिक ओरिजिनल हेयर्स की, 80-20 वाला हेयर ये है। अब तीसरा हेयर ये है कि प्रॉपर सिंथेटिक बाल ये वाला आता है। तो हमारा जो ओरिजिनल हेयर होता है वो ये होता है, ऊपर से मोटा नीचे से पतला, जो हमारे टेम्पल हेयर्स होते हैं नॉर्मली ऊपर से मोटा होता है नीचे से पतला हो जाता है, ये ओरिजिनल हेयर होता है। अगर आपको डबल ड्रोन का कुछ करना है तो आप रमी हेयर पर डबल ड्रोन करा सकते हो। ये नहीं कि आपके यार कोई चाइनीज़ हेयर आपने ले लिया, ताइवान वाला बाल लगवा रहे हो तो बाद में आपके बालों में टैंगल्स आएंगे, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अगर आप बोलोगे तो एक्सपोर्टर से लेके हम भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी गेम नहीं हो वाली। लेकिन जो अगर आप ये वाले हेयर्स लगवाते हो, इनकी लाइफ 3 से 4 साल रहती है आसानी से। यहाँ पे अभी कभी स्टूडेंट्स के बैचेस चलते हैं तो उनके माइंड में जाता है कि यार हम बाल कहाँ से खरीदेंगे, कोर्स तो हमने कर लिया कहीं से भी, लेकिन जहाँ से आप कोर्स करते हो कभी आपको बाल नहीं देंगे, प्रोवाइड नहीं कराएंगे क्लाइंट्स के लिए। बट अगर आप हमारे यहाँ से कोर्स करते हो, आपको हमारे यहाँ से रमी हेयर्स की सप्लाई प्रॉपर मिलेगी और उसी रेट पे मिलेगी जो हम सैलून से सप्लाई करते हैं। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा हम चार्जेज यहाँ पे चार्ज नहीं करेंगे कि यार तुम हमारे यहाँ से कोर्स कर रहे हो, कुछ भी है सप्लाई होगी, ठीक है। तो ये जो दूसरा, अगर आप कभी आते हो दिल्ली वगैरह में, आप दे रहे हैं यहाँ पे पुरानी दिल्ली, रजौरी गार्डन या कहीं से भी आप हेयर एक्सटेंशन कराओगे, अगर वो कहते हैं कि उनके ओरिजिनल हेयर है, तो एक सबसे सिंपल सा फंडा है ओरिजिनल हेयर जानने का, 40 वॉल्यूम आपको लेना है डेवलपर, और जैसे हाइलाइट्स का बनता 1:1 के रेशो में ब्लॉन्डर मिला के आपने लगा देना उनके स्टैंड्स पे। अगर उसका कलर लिफ्ट हो गया और हेयर ब्रेक नहीं हुआ तो ओरिजिनल हेयर है, नहीं तो वो बाल ब्रेक हो जाएगा। और अगर आप इन बालों पे लगाओगे, जो ये वाले हमारे बाल हैं 80-20 पे लगाओगे, इसमें 6 लेवल पे आके रुक जाएगा बाल, ये ऑरेंज तक जाएगा, ऑरेंज के बाद रुक जाएगा, ऑरेंज के बाद इसका कलर लिफ्ट नहीं होगा। अगर आप सोच रहे पेल येलो पे जाना है, ब्लॉन्ड करना है, तो ये आसानी से हो जाएगा, इसके अंदर कोई इशू नहीं आएगा। 1:1 की रेशो में आप लगाओ, रमी हेयर्स पे आसानी से लग जाएगा। अगर आप डबल ड्रोन की बात करते हो कि यार डबल ड्रोन कर रहे हैं, कोई भी एक्स वाई जेड डी फेम नहीं कर रहा, बट उनके हेयर्स पे आप कभी भी देखना, अगर वो ब्लॉन्ड शेड लगा दो, इनको जो बाल ऑलरेडी ब्लॉन्ड होते हैं वो ब्लॉन्ड करते ही नहीं है वहाँ पर लाके एक्सटेंशन पे। हमारी एक्सटेंशन आप ब्लॉन्डर लगाओ, वो कलर लिफ्ट होगा ही होगा। बाद में अगर उनकी जो एक्सटेंशन है उस पर सिर्फ एक ही कलर वो करते हैं रेड, जो ईजिली अचीव हो जाता है, मजेंटा रेड होता है या 5.5 मोहगनी टोन होता है जो आता है केयर, उसमें केयर वगैरह में कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ सल्फेट फ्री शैम्पूज आपको लगाने, शैम्पू मास्क सीरम लगता है। वो जिनका कंपनीज का टाइप है वो सैलून वाले उसी के लिए अप्रोच करते हैं कि 6000 का शैम्पू या 3400 का शैम्पू है, 1400 रुपये का शैम्पू आता है, 2 महीने चलता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके आगे अगर आपको केयर के बाद रिफिलिंग का टाइम आता है कि माइक्रो कराएं, नैनो कराएं या ग्लू वाली एक्सटेंशन कराएं, तो उसमें भी आपका कॉल है। कई बार सैलून वाले क्या करते हैं कि वो सेल बढ़ाने के लिए कर देते हैं कि यार आपको नैनो करा लो, नैनो का अलग चार्ज है, या माइक्रो करा लो या ग्लू करा लो, वो टोटली कॉल आपके, हमारे पे फ्लैट रेट है और आपको कोई ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा पे करना है। कोर्स भी आपको करना है तो उसमें सिर्फ 7 दिन में आप अपना एक्सटेंशन का काम चालू कर सकते हो, उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा करना है। ईजी टू वॉश होता है, जितनी छोटी लेंथ लोगे ईजी टू कैरी रहेगा। इसके अंदर बस ये होता है कि अगर आप कोर्स करते हो, इसमें यही होता है कि आपको हमेशा सेक्शनिंग पे ध्यान देना है। इसमें सेक्शनिंग में आपको कल वीडियो में बता दूंगा सेक्शनिंग कैसे होती है प्रॉपर, का 50 स्टैंड लगा रहे हो, 70 लगा रहे हो, 75 लगा रहे हो, 100 लगा रहे हो। अगर कोई कैंसर पेशेंट है वो 120-170 स्टैंड भी लगा देता है क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं होता उनके बालों में। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको ओरिजिनल हेयर देखने हैं किसी के, वो कहता है कोई डीलर की हमारे ओरिजिनल हेयर है, आपने कुछ नहीं करना है, ब्लॉन्डर उठाना, 40 वॉल्यूम में मिलाना है और लगा देना है। अगर बाल फट जाएगा तो ओरिजिनल नहीं है। अगर वो कहता है कि हमारा डबल ड्रोन का हेयर है, ये हमारा तो ओरिजिनल है, इंडिया में कोई ऐसा कोई इतना कोई योद्धा पैदा नहीं होगा, इसका डबल ड्रोन हेयर आ गए सर, ऊपर से लेकर नीचे तक के सबके सेम बाल होंगे, आपने कुछ नहीं करना है, सीधा कहना है कि इन बालों को दो, हम इसे 40 वॉल्यूम से ब्लॉन्डर लगा रहे हैं, अगर इसे ब्लॉन्ड कलर आएगा तो आप जो बोलोगे हम उतने पैसे देंगे आपको। लेकिन रमी हेयर्स का रेट अगर आपको जानना है, पीछे ही मेरा नंबर दिया हुआ है, ये है इंस्टाग्राम आईडी मेरी, ये है सूरज मुद्रा के नाम से, आप इस पर मेरे को मैसेज कर दो, कॉल कर दो, आपको रेट्स में दे दूंगा। और आपको रॉ मटेरियल चाहिए केजीज में, वो भी मेरे यहाँ से प्रोवाइड है। अगर आपने कोर्स करना है, कोर्स के लिए भी आप एनरोलमेंट कर सकते हो इजीली। 7 डेज का कोर्स है, 25,000 रुपये फीस है उसकी, जिसमें आपको नैनो माइक्रो ग्लू रिंग्स जितनी भी हैं सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। और अगर आप दूर रहते हो, गुजरात में रहते हो, अहमदाबाद रहते हो, बिहार रहते हो, इंडिया में कहीं भी रहते हो, स्काइप पे आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, मेरे बैचेस चलते हैं स्काइप पे।
तो कल जब मैं आऊँगा यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँगा उसमें आपको मैं सेक्शनिंग बता दूंगा कि कैसे की जाती है। सो थैंक यू सो मच।